हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आपका फिर से स्वागत है मेरे निशा के चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूं उड़द दाल के किनकी का पराठा। बनाइए, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनता है और कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मुझे कोल्ड हो रहा है इसलिए मेरी थोड़ी सी वॉइस ख़राब निकल रही है। आप प्लीज़ मेरी वॉइस पर ध्यान न दें, मेरी बनाई हुई रेसिपी पर ध्यान दें, जिससे कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आए। तो चलिए फ्रेंड्स, भी ये बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं। आप इन्हें सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम पराठों की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पराठे बनाने के लिए उड़द दाल की किनकी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आपको उड़द की दाल की किनकी दिखाते हैं। ये देखिए, ये किनकी है। जो उड़द दाल होती है साबुत, उसको हम घर पर चकले से दलकर, जो हम घर पर बनाने के लिए दाल तैयार करते हैं, उससे भी जो ज़्यादा फाइन दाल टूट जाती है, उससे हम पराठे भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, जिससे कि पानी डालने के बाद ये दाल अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद ही हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर हम जितना ये सोख लेगी उतना है पानी हम ऐड कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल सके। अभी इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हम कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं। ये मैंने पराठे बनाने के लिए लिया है 2 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल, 1 टीस्पून लिया मैंने गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लिया मैंने वाइट नमक, 1 टीस्पून लिया मैंने हींग, और मैंने लिया हल्दी पाउडर, और जो आप देख रहे हो हरी मिर्च, ये हरी मिर्च को लाल होने के बाद 5 से 6 मैंने लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ को कूट कर मैंने कटोरी में रखा है, उसका पेस्ट तैयार करा है। ये 1 टीस्पून लिया मैंने अजवाइन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और लिया मैंने 1 बड़ी कटोरी आटा, गेहूँ का आटा है ये। और जो ये दाल है, इसको मैंने पानी डालकर जो फुलाया था वो दाल है, उसे फूलने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके की हो जाती है फूल कर। आप इसको मिक्सी में ना पीसें, बस फुलोना है आपको पानी डालकर। आपने देखा था, मैंने इस किनकी को 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुकी है और ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी सॉफ्ट। आप इसको मिक्सी में बिल्कुल ना पीसें। अगर आप इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो इसका टेस्ट कम हो जाएगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। और हमने लिया पानी, आटा गूंधते समय अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी इस्तेमाल करेंगे, वरना स्किप करेंगे। तो चलिए हम आटा गूंदना शुरू करते हैं। अगर आपको आटे के अंदर दाल ज़्यादा पसंद है तो आटा कम डालिए, अगर आटा ज़्यादा पसंद है तो दाल कम डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी कटोरी आटा लिया है, मैं इस कटोरी आटे को भी इसके अंदर डाल दूँगी। अब आटे के अंदर ऐड करेंगे हम उड़द दाल की किनकी, यानी कि टूटी हुई दाल उड़द की। इसको पानी डालकर हमने फुला लिया था। अब हम आटे के अंदर इसको डालकर हाथों से मिक्स करेंगे। अभी हम पूरी तरह से मिक्स नहीं करेंगे, अभी इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून वाइट नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें आप, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हींग, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लाल मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट को आप बिल्कुल स्किप ना करें, आप इसको ज़रूर डालें। पराठों के अंदर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पर ऑयल। अब हम इन सारे मसालों को हाथ से आटे और दाल में अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी बिल्कुल ना डालें जब तक ये दाल अच्छे से मिक्स ना हो जाए आटे के अंदर। अगर हमने पानी पहले डाल दिया तो हो सकता है
आटा पतला हो जाए। पतला आटा होने के बाद पराठे अच्छे नहीं बन पाएंगे, इसलिए इसका डो ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है, हल्का सॉफ्ट रखना है। परात के अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, जिससे कि ये आटा है हमारा हाथों पे ना चिपके और परात में भी ना चिपके, और हल्के हाथों से हम इसको भूनते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो हमारा डो बनकर तैयार है। ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं किया है, हल्का ही सॉफ्ट डो तैयार किया है। आप भी इसी तरीके का डो तैयार कर लें। अब इस डो को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, उसके बाद ही हम पराठे बनाएंगे। हमारे इस डो को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डो तैयार हुआ है रेस्ट करने के बाद। पहले हम गैस को ऑन करेंगे, हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसके ऊपर तवा रखेंगे, तवे को हम गर्म होने देंगे। जब तक हमारा तवा गर्म होता है, हम परात के अंदर थोड़ा सा जो सूखा आटा है वो रखेंगे। अब आटे की हम लोइयां तोड़ेंगे, जितने साइज के हमें पराठे बनाने हैं मोटे, उस साइज की हम लोइयां तोड़ लेंगे। अब थोड़ा आटा लेने के बाद इसको हम गोल करेंगे, इन हाथों से गोल करते हुए इनकी लोई तैयार करेंगे इस तरीके से। मैं आपको और लोइयां तैयार करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी लोइयों को तैयार करेंगे। जितने हमने पेड़े तोड़े थे उनकी हमने लोइयां तैयार कर ली हैं। ये देखिए, अब इसमें से हम एक लोई लेंगे, इसको सूखे आटे के अंदर डस्ट करेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है उसको हम हटा देंगे, और हाथों से इस तरीके से गोल करते हुए चकले पर रखकर हम इसको बेलेंगे। आप किनारी पर बेलन चलाते हुए इसे आराम आराम से बेलें, जिससे इसकी किनारी ज़्यादा ना फटे। हम मोटे पराठे नहीं बनाएंगे, क्योंकि दाल के ज़्यादा मोटे पराठे बनाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए हम पतले पराठे बनाएंगे। तो तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। जो इस पराठे को हमने बेल लिया है, इसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे। तो हमने पराठे को तवे के ऊपर डाल दिया है, अब इसको हम एक साइड से सिकने देंगे, उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। अब हमारा पराठा एक साइड से सिक चुका है, तो हम किसी स्पैचुलर की हेल्प से इसको पलट देंगे। जब तक हमारा ये पराठा दूसरी साइड से सिकेगा, हम एक और बेल लेते हैं। तो सेम उसी की तरह हम ऐसे लोई को डस्ट करेंगे आटे के अंदर, और हाथ से इस तरीके से गोल करते हुए हम इसको भी सेम उसी की तरह बेल लेंगे। हम इसको भी ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, पतला पराठा बेलेंगे। ये देखिए, ये बेल चुका है। तो ये दूसरी साइड से भी हमारा पराठा सिक चुका है। तो इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और चम्मच से हम सारे ऑयल को पराठे के ऊपर फैला देंगे। अब हमारा पराठा दूसरी साइड से भी सिक चुका है, तो इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे चम्मच से, इसी तरीके से फैलाते हुए ऑयल को। अब दोनों साइड हमने ऑयल को लगा दिया है, अब इसको हम पलटेंगे। ऑयल लगाने के बाद भी हम इसको पलटते रहेंगे जब तक ये अच्छे से सिक न जाए। पराठे को हम अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारा पराठा अच्छे से सेक चुका है। अब पराठा हमारा सेक चुका है, इसको हम कागज के ऊपर या टिश्यू पेपर के ऊपर हम इसको रख सकते हैं। अब इसको भी हम तवे के ऊपर डाल देंगे।
जब ये भी एक साइड से सिक जाएगा उसी के बाद हम इसको भी पलटेंगे। तो इसको हमने पलट दिया है, जब ये दूसरी साइड भी सिक जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। जैसे मैंने पहले पराठे के ऊपर ऑयल लगाया था, सेम उसी की तरह हम इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे चम्मच से फैलाते हुए। आप इन पराठों को घी में भी सेक सकते हैं, बटर में भी सेक सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने इस तरफ भी ऑयल लगा दिया है, अब इसको हम फिर से पलटेंगे। जब तक पराठा अच्छे से सिकेगा नहीं तब तक हम इसे पलटते रहेंगे। तो हम इसे फिर से पलटेंगे, पराठे को हम अच्छे से सेकेंगे, और जब तक हमारे जो पराठा है अच्छे से नहीं सिकेगा तब तक हम इसे पलटते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बना है, ये देखिए बहुत क्रंची भी बना है, और ये पराठे खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम सर्व करते हैं, तो मैंने इस तरह से सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और मैं अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाय के साथ, कोई भी सब्जी के साथ और या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और इन पराठों को बनाइए और पसंद आए तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निशा किचन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको उड़द दाल की किनकी के पराठे आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं इसी तरीके की किसी टेस्टी एंड मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।